पटना में 13 मई से बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगने जा रहा है, जिसको लेकर तमाम पार्टियां बयानबाजी भी कर रही हैं। एक तरफ महागठबंधन सरकार के कई बड़े नेता इसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार धीरेन्द्र शास्त्री को सपोर्ट करती दिख रही है। लेकिन इन सब के बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और आरा से बीजेपी सांसद आरके सिंह ने एक ऐसा बयान दे डाला है जो बीजेपी के लिए करे कराए पर पानी फेरने जैसा है। दरअसल आपको बता दें, बीजेपी सांसद आरके सिंह आरा के एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, जहां उनसे सवाल किया गया कि बागेश्वर बाबा पटना आ रहे हैं, महागठबंधन सरकार लगातार इसका विरोध कर रही है। इस सवाल पर बीजेपी सांसद आरके सिंह ने कहा कि कौन है धीरेन्द्र शास्त्री, हम इनको नहीं जानते, कभी उनको देखा भी नहीं है। बिहार में और उनका विरोध जारी लगातार, ये सब कुछ कुछ बात है। ये बाबा बागेश्वर आ रहे, हमने तो कभी देखा नहीं, उनको क्या है आपको नहीं मालूम, तो हम इस पर उत्तर नहीं दे पाएंगे। सर, एक तरफ आपकी बीजेपी ही समर्थन कर रही है और महागठबंधन के लोग उनका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, हमको डिटेल्स की जानकारी, ये कौन है बाबा बागेश्वर? किसका बता दें, केंद्रीय मंत्री का पार्टी लाइन से ये अलग बयान चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि बिहार के ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे बाबा के समर्थन में बयान दे चुके हैं। वहीं बता दें, वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी बीते दिनों अचानक कारजीडी ऑफिस पहुंचकर वहां का जायजा लिया। काफी देर तक तेज प्रताप ने सबसे बातचीत की। इसके साथ ही तेज प्रताप यादव ने फिर से बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर बयानबाजी की। तेज प्रताप यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री को देशद्रोही तक करार दे डाला। एक बार फिर से तेज प्रताप यादव का वो बयान सुन लीजिए, जिसमें तेज प्रताप यादव ने बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा को देशद्रोही बताया है। बाबा बागेश्वर वाले में सबको निमंत्रण भेजा गया है, क्या आप भी जा रहे हैं? देखिए, बाबा बागेश्वर धाम के लोग आके हमसे माफी मांग रहे हैं, गेट पर रोज आ रहे हैं, उसका वीडियो है हमारे पास। अच्छा, उसका वीडियो रिलीज करेंगे, देखिएगा। तो बाबा को हमसे माफी मांग रहा है। तो क्या कार्यक्रम होगा? बागेश्वर बाबा माफी मांगने के लिए रोज अपना आदमी को भेज रहा है, तो माफी उसका 10 दिन से भेज रहा है। बागेश्वर बाबा तो डरपोका है, देशद्रोही है, देशद्रोही है बागेश्वर बाबा। हाँ, मुसलमान को लड़वा रहा जी। बता दें, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री 12 मई को पटना आने वाले हैं। इसके पहले बिहार में बाबा पर जमकर राजनीति हो रही है। सबसे पहले तेज प्रताप यादव और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इसका विरोध किया था और फिर बीजेपी नेता लगातार बागेश्वर धाम वाले बाबा का समर्थन कर रहे हैं।